नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे फेसबुक चैनल पर। आज हम आपको जानकारी देंगे जैसलमेर जिले के 80 साल के बुजुर्ग चंदन सिंह सोडा, भूतपूर्व बीएसएफ जवान। कहते हैं ना कि फौजी बूढ़ा होता है, लेकिन बूढ़े होने के साथ साथ उनका निशाना और भी बढ़ जाता है। ऐसी कहानी है चंदन सिंह की। उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से कैसे निशाना लगाया, एक नहीं तीन तीन निशाने लगाए। तो चलो तो जानते हैं चंदन सिंह की जानकारी। बने रही वीडियो में, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए चंदन सिंह के लिए। कहते हैं जवान यानी फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता और उसका जज्बा उम्र के हर पड़ाव में उनके साथ बढ़ता रहता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है सरहदी जिले जैसलमेर के बेरसियाला गांव में एक फौजी का। 80 साल की उम्र में जहां लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, वहीं बीएसएफ के 80 साल के भूतपूर्व जवान अपने कांपते हाथों से बंदूक को थामकर अचूक निशाना साध लेते हैं। वो भी एक नहीं, लगातार तीन, और तीनों निशाने हिट कर देते हैं। इनसे मिलिए, यह है बीएसएफ के रिटायर्ड फौजी चंदन सिंह। चंदन सिंह भले ही सर्विस से रिटायर हो गए, लेकिन उनके अंदर का फौजी अब भी जिंदा है और उनकी निशानेबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जिले के बैरसियाला गांव के रहने वाले 80 साल के चंदन सिंह सोढ़ा 1966 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे और 28 साल तक देश की सेवा करने के बाद 1993 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। मेरा नाम चंदन सिंह, मैं बेरसियाला का रहने वाला, मेरी उम्र 80 साल। मैं 1963 को मैं भर्ती हुआ बीएसएफ में। 1993 में मैं रिटायर लियो, 28 साल सर्विस करे। कल मैं बच्चों के हाथ में बंदूक देखी तो मेरा मन हो गया, मैं भी बेतीन फेर किया और फेर हिट लगा। एक फौजी का बम बंदूकों से चोली दामन का साथ रहता है। 1966 में भर्ती होकर बीएसएफ की 28 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली, जो आज भी उनके दिलो दिमाग में जिंदा है और उसका नमूना आप इस वक्त देख ही रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद जैसलमेर में चंदन सिंह ने अपना घर बनवाया और यहीं पर अपने परिवार के साथ रहने लगे। इस दौरान उन्होंने एक प्राइवेट जॉब भी की सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। उनके परिवार में उनकी पत्नी और तीन लड़के हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है और उनके भी चार चार बच्चे हैं और एक बेटे की शादी अभी बाकी है। बाड़मेर से पुष्पेंद्र सिंह भाटी की न्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।